तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जियो फाइबर के लिए। तो जियो फाइबर के साथ मेरा क्या हुआ, मैंने मेरे जो सही जियो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ मैंने 6 मंथ का प्लान लिया था। मैंने कुछ उसका कुछ 4,200 समथिंग कुछ भरा था। तो इसमें ऐसा हुआ है कि मेरे सोसाइटी में एक दो जने को और भी दिया गया है। तो उसमें जो जियो सर्विस प्रोवाइडर होता है तो उसने क्या किया, उसने हमें ये नहीं बताया कि आपका पोस्टपेड प्लान है कि आपका 6 मंथ पूरा हो जाने के बाद आपका 7th मंथ ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये उन्होंने नहीं बताया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैंने प्लान परचेस किया, मैंने यूज़ किया, तो इन्होंने क्या किया, 7th मंथ चालू कर दिया। 7th मंथ चालू करने के बाद पर इसमें क्या, उन्होंने किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। फिर धीरे 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 बढ़ता गया बढ़ता गया। तो मेरा जो प्राइस आया वो आया 768 रुपीज़, मुझे वो पे करना पड़ा। फिर मैंने जियो के टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा है। वो लोग किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते रहे आई एम सॉरी सर, हमारी गलती हो गई, ऐसा वैसा वैसा। तो मैंने जो अपने सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी कॉल किया, वो कह रहा था कि मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा है वैसा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने ये कि यही चीज़ मेरे नेबर से ही पूछी, क्या इसने आपको बताया, उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया कि प्लीज़ आप ये चीज़ का ध्यान रखना, मेरे घर मेरे सिस्टर के घर में भी जियो लगा है। तो उसको मैंने बोला ये चीज़ का ध्यान रखना, ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये लोग पूरी बात नहीं बताते कि आपका प्रीपेड है या पोस्टपेड है। हम ये समझते हैं कि हमने पैसा दिया उतना का उतना ही चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो जो मेरा मंथली पेमेंट था वो था 500 रुपीज़, 500 या 600 रुप, नहीं 500 रुपीज़ का मंथली का मेरा रिचार्ज था। तो वो मेरा लगा 768 रुपीज़, मुझे उसका डबल पे करना पड़ा, मुझे जियो का कनेक्शन पूरा कट करना पड़ा। तो मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी भी आप कोई भी चीज़ लो तो प्लीज़ उसके बारे में पूरा पूछ लिया करो। और ये लोग कहते हैं कि हमने आपको फ़ोन किया, मुझे कोई फ़ोन आया नहीं, उनका मैसेज आया कि 16 रुपीज़ है। तो ऐसे तो काफ़ी मैसेज आते, मैंने उसको इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली जियो के साथ भी कुछ स्कैम हो गया था। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसके साथ मैंने कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप ज़रूर सुनिएगा कि जियो के जो फाइबर वाले जो कॉल सेंटर वाले वो कैसे बात करते हैं। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपका कॉल को जो है हमारे स्पेशल हेल्प डेस्क में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, वहाँ से रिक्वेस्ट दर्ज कर लिया जाएगा कैंसिलेशन के लिए। ओके ओके। और सर ये पेमेंट का क्या होगा फिर? वो आपको बता दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, कर लीजिए। नमस्ते, जियो सीनियर डेस्क से कृष्णा बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, मेरा ये कनेक्शन मेरे को क्लोज करना है। जी सर, जैसे कि 8 बजे के पास इन्फॉर्मेशन मिला है, आप जियो फाइबर कनेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं। मैडम मेरे साथ है ना, जो जिसने मेरे को कनेक्शन दिया उसने मेरे साथ स्कैम किया है, इसलिए। क्या क्या है? स्कैम किया है, मेरे को उल्लू बनाया है उसने। क्या स्कैम किया है आपके साथ? उसने मेरे को ये बोला आपका कनेक्शन, पहले सुनना, उसने मेरे को ये बोला आपका कनेक्शन 6 महीने तक ही चालू रहेगा, 7 महीने पे एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि आपने 6 महीने का ही पैसा दिया। तो ये मेरे साथ स्कैम किया उसने। अच्छा जी। और ना ही उसने मेरे को अब ये अब ना ही मेरे को उसने बोला पोस्टपेड कनेक्शन है कि यह 7 महीने पे जाने वाला है। अगर ये बोलता मैं लिटरली बोलता मैं कनेक्शन जियो का लेता ही नहीं। अच्छा, और मेरे पास ओनली जियो फाइबर कनेक्शन हो या जो भी कनेक्शन, ओनली 6 मंथ के लिए तो नहीं होते हैं सर। वो आप बोल रहे हो ना, आपके सर्विस प्रोवाइडर को बोलना चाहिए ना, मैं थोड़ी ना जियो में काम करता हूँ कि मेरे को आइडिया रहेगा। सर जो भी कनेक्शन होते 6 मंथ के लिए नहीं होते हैं, प्लस ऑफ कोर्स में आपका एक आउटस्टैंडिंग ड्यू है 798। वो मैं नहीं पे करने वाला, मेरे को नहीं बोला गया था 7 मंथ भी चालू होगा। और आपका 16 स्टेप से बिल साइकिल स्टार्ट हुआ है। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलिए, जिसको आपने अपॉइंट किया है उसको जाके बोलिए, उस आपने यूज नहीं किया है कनेक्शन, तो आपको बोलना चाहिए ना। अभी ये कौन ध्यान रखेगा कि 6 महीने पूरे हो गए। कस्टमर केयर में इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश किया होता तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलता सर। अरे पर मैं क्यों करूँ, मेरे को तो बोला गया 6 महीने तक का है ना, पर मैं क्यों करूँ मैडम, मेरे को 6 महीने का बोला गया है तो मैं क्यों करूँ। देखो मैं क्यों करूँ, आपका प्रॉपर डिटेल्स आपने उनको डेट पूछा था 66 मंथ आप मेरा कब पूरा होगा, कौन सी डेट में? तो मैडम वो मेरा काम है कि आपका काम है बंद करना, पहले तो वो क्लियर कीजिए। आप पैसा देंगे, ऑब्वियसली अगर आप पैसा देंगे, आप किसी एक चीज यूज करेंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, ये बिल है आपका
आपका सर जो भी मंथली बेसिस का रेंटल है वो कंटिन्यू होते जाएगा। आपने आपने आपके सर्विस प्रोवाइडर को बोला ये सामने बोलने के लिए कि सबको उल्लू बनाने का ही धंधा किया? अगर उन्होंने कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन दिया है उनका नाम नंबर लेके हाँ? जो फाइबर के रेडर है jio.com पे मेल कीजिए। मैं क्यों करूँ, मैं आपका नाम नंबर अभी देता, आप कीजिए ना। वो एक के साथ नहीं, वो सबके साथ ऐसा स्कैम करता है मेरे सोसाइटी में। मैं नहीं करने वाला। तो जो आपके ड्यू है वो ड्यू क्लियर किए बिना कैंसिलेशन के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ते, बिकॉज आपका 16 चैप्टर ऑलरेडी बिल चुका है। तो मैं क्यों करूं, पर मेरे को आप तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को क्यों नहीं बोलते? आप अपने प्रोवाइडर को क्यों नहीं बोलते कि ऐसा गलत काम क्यों करता है? लेके आप जियो फाइबर के अदर jio.com पे आप मेल कीजिए सर। हाँ, फिर क्या करूँ? फिर उनका नाम लीजिए, जरूर एक्शन दिया जाएगा जो भी हमारी हायर टीम होती है। नहीं, पर मेरा पेमेंट का क्या? वो तो आपने उल्लू बना के हमसे भरवा रहे हो ना, बिकॉज वो आपने यूज किया है। यूज तो आपको तो आपने क्यों पहले बंद नहीं किया, मेरे से पूछा एक्सटेंड करने से पहले? पोस्टपेड है, आपने बोला था अपने सर्विस प्रोवाइडर को बताने के लिए। क्या नहीं करना होगा, आपको कॉल करना पड़ेगा कि मुझे। मैं क्यों करूं, पर आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोला था कि ये सबको बोल के कनेक्शन दिया अगर। सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है इसीलिए मैंने मेल आईडी दिया है, बिकॉज उनकी तरफ से जो भी एक्शन लिया जाएगा उनके हमारी टीम की तरफ से करेंगे। पर मैं तो मैं उससे क्या गलती, मैं क्यों 750 रुपए भरूं उसके पीछे? बिकॉज वो आपका यूज किया हुआ मानी, तो आपने क्यों एक्सटेंड किया? मैं तो 6 महीने का पैसा दिया था। ये पोस्टपेड है, अगर आप तो आपने उसने मेरे को क्यों नहीं बोला? नेक्स्ट मंथ का भी बिल उसने मेरे को क्यों नहीं बोला? उसने मेरे को क्यों नहीं बोला? मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप, ये कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है, अभी मेरे पास आपका डाटा आया है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपका इन्फॉर्मेशन देने से क्या मतलब? मेरा तो पैसा बढ़ा दिया ना आपने। अगर आप यूज करेंगे तो वो आपने आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन क्यों दी कि तुम्हारा 7वां महीना शुरू हो रहा है? हाँ जी, बिकॉज ये कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है सर। ये हाँ, तो वो तो आपकी गलती ना। डाउट आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, आपको कनेक्शन कैंसिल कॉल नहीं जाते हैं, यहाँ पे इनकमिंग।